अलैकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग ऑफ मिस्टर चिक। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक। आज के व्लॉग को शुरू करते हैं इधर से। और आज का प्लान कुछ ऐसे है कि आज मैंने जाना है एक पार्क, और वो कौन सा पार्क है वो देखने के लिए आगे व्लॉग देखें और उसको स्किप नहीं करिएगा, वरना फिर पता नहीं चलेगा ना शुरू में कि कौन सा पार्क है। तो पार्क चलते हैं, और नहीं घर के करीब वाला पार्क, एक तो करीब है, एक पार्क है घर के करीब वाला, लेकिन वो घर से थोड़ा दूर है पार्क और वो काफ़ी अच्छा पार्क है। तो चलते हैं उधर और चल के उधर। 2 hours later तो ये दही भले भी हैं, और ये कुछ मेरे से मिलते जुलते भी खड़े हैं दो, ठीक है। तो ये बड़े प्यारे मिट्टी के बने हुए, सारा घर सारा कार्डबोर्ड का है, कार्डबोर्ड और थोड़ी कच्ची मिट्टी से सारा कुछ बना हुआ है। बड़े माशाल्लाह प्यारा लग रहा है। आगे चलते हैं, आगे बड़े मज़े मज़े के ना गरम गरम वो लग रहे हैं, मकई की रोटी जिसे कहते हैं, मेरा ख्याल है मकई, लेकिन शायद पूछते हैं कौन सी रोटी। आंटी कौन सी रोटी है ये? मकई की, मकई की रोटी के साथ साग, और साग के साथ साग में मक्खन भी है। स्कूल टाइप बना है, गुड़ गुड़ वाला पानी, गुड़ वाला पानी है, गुड़ वाला पानी है ये। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ये क्या? ये जो तेल है सरसों का। अच्छा सरसों का तेल है, मैंने कहा गुड़ वाला पानी है। अच्छा जी, ये ताजा ताजा गुड़ बन रहा है, वाह भी वाह। ओ अंकल भी खड़े हैं इधर, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, ये चलो सारा जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्रीज है ना सारी बिजनेस की, ये सारे उनके स्टॉल्स लगे हुए इधर। सारा छोड़ो, मगरिब का वक़्त हो रहा है इस वक्त, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। इस पार्क को वैसे रेस कोर्स भी कहते हैं, जिलानी पार्क को रेस कोर्स के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ये सारी जितने भी फूड स्टॉल्स हैं उन सबकी सीटिंग हैं, ये सारी यहाँ पे उनकी सीटिंग की हुई है, एक एरिया दिया हुआ है सीटिंग का, जिसमें ये तंदूरी चाय भी लग रही है गरम गरम। ये तंदूर लगा हुआ तंदूरी चाय, ये तंदूर है इसका चाय का, इसके अंदर गर्म होके ये चाय बनी। और फूड स्टॉल की तरफ चलते, ये जी चरगे लग रहे हैं, चरगा लगा हुआ, काफी सारे लगे हैं। गर्म हुई, बारिश हुई है ना आजकल, मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा हो रहा है, तो ये गर्मी इन कोयलों के पास खड़ा होके बड़ा मजा आ रहा है, और चरगे भी इस वक्त एंजॉय कर रहे होंगे। और ये मेरे पीछे है सजना दा डेरा, चलते हैं सजना दा डेरा। वो नान बड़े मजे मजे के लग रहे हैं, ऐसे उन्होंने बनाया हुआ जैसे कोई पिज्जा है नान, वैसे तो सादे ही है। ये इधर भी मकई की रोटी और साग है, और ये बड़े स्टाइलिश से नान बनाए हुए, और ये चपली कबाब बन रहे हैं, खुशबू बड़े मजे की इनकी, ये बारबेक्यू हो रहा है। और इस जगह का नाम है स्टॉल का कांग्या, स्टॉल का नाम ये रहा, स्टॉल का नाम है सजना दा डेरा, वाह नाम बड़ा ठीक है। और इधर एक और स्टॉल लगा हुआ है एक चीज का, जो हम सबकी पहुंच से बाहर होती जा रही है, ऑयल, और ये साथ ही बगी जा रही है, बड़ी प्यारी लग रही है, ब्लैक गोल्डन। A few moments.
टिके की सीख कितने की है? 300। और कबाब? 350। सीख पूरी। तो छोटी सी बस टाइप जा रही है, मिनी मिनी बस मिकी माउस की। बच्चों के लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजें आ चुकी हैं, बच्चे फुल एंजॉय करें, क्योंकि बड़े प्यारे प्यारे से शूज पड़े हैं, बड़े प्यारे डिजाइनिंग करे। अब ये दूसरी साइड है पार्क की, जिधर सारे स्टॉल्स हैं दूसरे शॉपिंग वगैरह के। प्यारी प्यारी शर्टें पड़ी हैं, ये देखें, मेरी खाला सबसे आला, और भी लगे हुए हैं, मेरे चाचू इज द बेस्ट, दादा की शान, दादी की जान, काफी प्यारे प्यारे शर्टों पे नाम लिखे हैं, लेकिन इसमें भी मेरा साइज नहीं है। तो यहाँ पे एक बड़ी मजेदार सी चीज मुझे मिली है, ठीक है, जो आज से पहले मैंने इधर नहीं देखी कभी, ठीक है। वैसे भी PSL चल रहा है तो क्रिकेट का और ज्यादा जोश चढ़ा होता है, नेट लगी हुई है साथ में, वो मशीन है और आप क्रिकेट अंदर खेल सकते हैं, टेप बॉल है, ठीक है। तो ये भाई खेलने, इसके बाद फिर मैं बारी लेता हूँ, इसके बाद फिर मैं जाता हूँ अंदर, अंदर चल के फिर मेरी बैटिंग देखें अच्छी है कि नहीं। इस वक्त वो बैटिंग कर लिया थोड़ी सी, और शुरू की बॉल अच्छी थी, एंड में थोड़ा सा बीट हो रहा था, और फिर अब मेरे सामने है एक बोर्ड, तो इसमें चलते हैं, इसमें चल के लेते हैं। पूरी ठंड बहुत लग रही है मुझे, हुडी शूडी पहना था इसमें, शर्ट में तो बहुत ठंड लग रही है। A few inches later, झूलों वाली पीछे साइड से तो हो गए फ्री, अब चलते हैं आगे। वो इसकी पार्क की बैक पे भी एक फ्लावर्स वगैरह होते हैं बड़े प्यारे, वो पूरा सिस्टम। एंड पे एक बुक फेयर भी है, और सबसे पहले ही मेरी फेवरेट किताबें जितनी भी हैं तारीखी में सारी पढ़ी हैं, तारीख इस्लाम, तारीख हिंद, ये सारी मेरी फेवरेट किताबें हैं, मैं बहुत शौक से किताबें ऐसी पढ़ती हूँ, हिस्ट्री वाली, तारीख वाली। एक आईफोन बड़े टाइम से घुमा हुआ था, तो वो भी मिल चुका है इस बुक स्टोर पे, इस बुक स्टोर पे था, ये नहीं मुझे पता था, ये देखिए मेरा आईफोन बैग में ऐसी चीज मिल गया। कैसा लगा मेरा मजाक? आई मीन नारायण कगान, और ये उधर एक अपचार आप लोग देख सकते हैं नारायण कगान की। ठीक है, eventually about की तरफ, ठीक है, मैप भी दिया हुआ है इस पार्क, आउट की तरफ चलते हैं, आउट आउट बाहर हो जाए, बाहर जाने का रास्ता ये बाहर आगे। 6.5 hours बिल वापस आ चुके हैं, और इस वक्त मैं फुल थक गया हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत चला हूँ व्लॉग में तो थोड़ा सा है, लेकिन मैं बहुत चला हूँ, और मैच अभी चल रहा है, तो मैं व्लॉग को इधर ही एंड करता हूँ, क्योंकि मुझे मैच भी इंजॉय करना है। तो आज के व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ।